सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। असाजला यो रिश्तो में टिकदम लकी आ, यहाँ छोकरो छोकरी बाहर वन तो होटल में वधिया खर्च भी लगन था, टाइम भी लगी तो वे तो रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचन था, सब जना मीटअप कन था, टाइम सेविंग भी है। असां जी आया असां कम थी अठन डीन में ते जेके अचन था उनन जो भी तकड़ो कम सुठो थी वने, सिंधिन जो सिंधिन सा ते डाडो सुठी गाल आ। rishto.com सिंधिन जो सिंधिन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आज तो पुलिस ने रोक लिया, पर शहर में दुकानों के अंग्रेजी में लिखे बोर्ड तोड़ेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के उल्लासनगर शहर अध्यक्ष संजय गुगे की तरफ से दी गई है। दरअसल शनिवार को उल्लासनगर कैंप 3 के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठी बोर्ड विषय को लेकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का हंगामा देखने को मिला, जहाँ बड़ी संख्या में मन से नेता और कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे। वहीं मन से नेताओं और कार्यकर्ताओं को देख दुकानदार भी अपने अंग्रेजी लिखे बोर्ड हटाते दिखे। मन से जिला अध्यक्ष बंडू देशमुख ने बताया कि 26 जनवरी तक उल्लासनगर शहर में सभी स्थापना मतलब दुकानें, फैक्ट्रियां, ऑफिस पर लगे नाम के बोर्ड मराठी में हो जाएंगे। ऐसा आश्वासन शहर के दुकानदारों, व्यापारी संस्थाओं ने 2 महीने पहले उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से बुलाई गई बैठक में यह आश्वासन दिया गया था, पर अब तक शहर में मराठी बोर्ड को लेकर दुकानदारों की टाल मटोल है, जहां 2 दिन पहले भी मराठी बोर्ड नहीं करने वाले दुकानदारों पर उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। वहीं आज हुए आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के 26 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आयुक्त साहब ने एक संयुक्त मीटिंग लगाई थी, उसमें व्यापारी भाई थे, आमदार कुमार अनिल जी थे, पुलिस प्रशासन था और मनसे की हमारी एक टीम थी। और वहाँ पे बोला गया था, कुमार अनिल जी ने बोला कि 26 जनवरी तक सब जो बोर्ड है दुकान के बोर्ड वो मराठी में हो जाएंगे करके, मगर अभी हम लोगों ने देखा कि 25-30% व्यापारी लोगों ने मराठी में बोर्ड किया है, और जिन्होंने मराठी में बोर्ड किया है उनका हमने मनसे की तरफ से स्वागत भी किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 25 नवंबर तक सब पार्टी मराठी में होना चाहिए, मगर वो अभी तक हुआ नहीं। और 25 जनवरी को जब महानगर पालिका के कुछ अधिकारी लोग जब 2000 रुपये दंड लगाने के लिए वसूल करने के लिए गए, तो कुछ व्यापारी लोगों ने उनको विरोध किया, बोला नहीं 26 जनवरी आने दो, जब तुमको 2 महीने में नहीं किया तो 1 दिन में तुम ऐसा क्या कर सकते थे। तो ऐसे जो व्यापारी लोगों के जो नेता लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो व्यापारी लोगों को जो है दिशा भूल मत करो, और जो लोगों ने मराठी में पार्टी नहीं की है उनको आप बोलो कि जल्द से जल्द मराठी में पार्टी करो। और आज तो हमने मनसे की तरफ से आंदोलन किया, वहाँ पे पुलिस आई, हमको रोका गया, ठीक है आज रोका गया, मगर इसके बाद में कि अगर मराठी में पार्टी नहीं हुई तो फिर हम लोग मनसे से स्टाइल से वो बोर्ड टूटेगा, मतलब टूटेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बार 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 कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जितनी स्थापनाएं, दुकानें हैं, कारखाने हैं, जो भी चीज है, हर चीज का बोर्ड मराठी में होना चाहिए। इसके खिलाफ कुछ व्यापारी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को एक डिसीजन दिया था कि अगर आप महाराष्ट्र में व्यापार कर रहे हो तो आपको मराठी बोर्ड लगाने में क्या तकलीफ है, और सख्त आदेश दिए थे कि 60 दिन के अंदर आपके दुकान का बोर्ड मराठी में होना चाहिए। ये हमारा ऑर्डर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर तक का डेडलाइन दिया था, 25 नवंबर तक का डेडलाइन देने के बाद भी कोई बोर्ड मराठी में नहीं हुआ। उसके बाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम लोग ने पाठपुरावा चालू किया, उसके बाद में कमिश्नर साहब, महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन और मनसे और व्यापारी संगठन के नेता लोग, इनकी एक संयुक्त बैठक हुई, और उस बैठक में जब चर्चा हुई तो उन लोगों ने हमको कहा कि हमको 2-3 महीने का टाइम दो,
हमने बोला ऐसा नहीं होगा। तो जो शहर के आमदार है कुमार आइलानी जी, इन्होंने व्यापारी की तरफ से हमको विनती की कि 26 जनवरी तक हमको टाइम दो, यानी दो महीना। हमने इनको दो महीना टाइम देने के बाद भी कुछ व्यापारी आज भी अपने दुकान का बोर्ड बदली करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमको उनको सबक सिखाने के इसमें थे, लेकिन पुलिस ने हमको रोका है। लेकिन आने वाले समय में हर व्यापारी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द अपने दुकान का बोर्ड मराठी में कैसा होगा इसके बारे में सोचो। अगर आपने बोर्ड मराठी में नहीं किया तो इसके आगे का आंदोलन जो होगा वो मनसे स्टाइल से होगा, और आपके दुकान का जो भी नुकसान होगा वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। नंबर दो, कल से महानगर पालिका ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अदरवाइज महानगर पालिका ने अगर 100% उल्लाधनगर के बोर्ड मराठी में नहीं किए तो हम लोग महानगर पालिका के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।